हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो दिल्ली में हो रही है झमाझम बारिश, और बारिश का मज़ा सब दिल्ली वाले ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं उसके साथ साथ। पर बहुत दिन हो गया बारिश को, अब सोच रही हूँ बस बंद हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए, बंद हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं और बहुत सारी मक्खियाँ हो रही हैं और बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं बारिशों में। खैर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप लोग के शहर में क्या हाल है बताइएगा मुझे कमेंट करके। और आप लोग के कमेंट भी नहीं आते आजकल, क्या बात हो गई, क्या दिक्कत क्या हो गई है बताओ मेरे को यार। पहले भी ऐसी वीडियो बना रही थी, अब भी ऐसी वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ नाराज़ मत हो, ठीक है ना। आप लोग मुझे अगर सपोर्ट करोगे तो मैं तभी आगे बढ़ पाऊँगी, और आप लोग की सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। और ये सिर्फ टाइम वेस्ट ही होता है, अगर हम वीडियो डालते हैं ना, आप लोगों का प्यार नहीं आता तो टाइम वेस्ट है बिल्कुल। तो चलिए, आज की वीडियो को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो अभी डिनर की तैयारी करनी है मुझे, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं आप लोगों से बात कर ली थी, उसके बाद डिनर की तैयारी वैयारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए डिनर की तैयारी करते हैं। तो जी ये देखिए, यहाँ पे हो रही है बारिश। तो मैं जैसे ही रूम से बाहर निकली ना, देखा बहुत अच्छी बारिश हो चुकी थी, और सामने हमारा ना ये खाली वाला प्लॉट है, तो ये देखो ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस मौसम अच्छा सा देख के चलते हैं, अब अपना काम निपटाते हैं। देखा कितनी सारी बारिश हो रही है ना, अच्छा भी लग रहा है, बारिशों पे ऐसी बात नहीं है। और आज मैं बहुत दिनों के बाद तैयार श्यार होकर वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा पसीना आ गया, थोड़ा थोड़ा मौसम थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना। तो चलिए चलते हैं नीचे, करते हैं डिनर की तैयारी, क्योंकि अभी पापा को जाना है ड्यूटी। तो उससे पहले पहले आजकल पापा को थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। डिनर की तैयारी इसलिए क्योंकि अभी खा पी के आराम कर लेंगे ना, तो फिर सुबह जल्दी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा को जाना होता है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग जाना होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना, हाउसवाइफ के साथ कभी जल्दी जाना है, कभी लेट जाना है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरे को तो पता है दिक्कत किस लिए आती है, क्योंकि मेरे को मनराज बड़ा परेशान करते हैं, पापा कब आएंगे, पापा क्यों गए हैं, पापा कितने बजे आएंगे, पापा 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 पापा, मेरा दिमाग खा जाता है। और वैसे भी घर के मेंबर जब घर में उस टाइम नहीं होते तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि यार कि चलो घर आ जाएं, उसके बाद ही हम लोग आराम करते हैं, और टेंशन सी रहती है ना थोड़ा दिमाग में। तो चलिए अब मैं नीचे जा रही हूँ और डिनर की करते हैं तैयारी, क्योंकि आज हमने बहुत लाइट खाना खाया था इस वजह से, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ना किचन को ना श्राप मिली हुई है, मेरी वाली को तो स्पेशली, कि भाई तूने नहीं साफ़ होना चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं ना किचन साफ़ करने के साथ साथ मैं ना कवर भी ले आई ऊपर से उठा के, तो ये भी लगभग बिछा दूँ, क्योंकि अब नवरात्रे हैं, नवरात्रे हैं, परसों से नवरात्रे हैं शायद, है ना। तो 26 तारीख से नवरात्रे स्टार्ट हैं, उससे पहले पहले हम जो है अपनी साफ़ सफाई कल से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि शायद इसमें ये नहीं करते हैं ना, क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं, श्राद्धों में, श्राद्ध में नहीं करते हैं, तो इस वजह से। हाँ, तो एकदम से ना, एकदम से आई है बादलों की आवाज़, मैं और मम्मी तो डर गई और पापा के पैर में लगी थी ना चोट, तो अभी मैं सोचूँ उनको दवाई पट्टी कर दूँ, फिर मैं सोचूँ अभी नहीं, बाद में करती हूँ, क्योंकि फिर रात में ना थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है अगर रात के टाइम पे लगाओ तो। यार पता है मैंने 2-3 दिन से सोचूँ मैं ट्राईपॉड ऊपर से ले आऊँ, और दिमाग ऐसा है कि काम ही नहीं करता ट्राईपॉड उठा के लेके आने का। आज क्या बनाऊँ तो समझ नहीं आ रहा। आज हमने दोपहर में खाए थे बेसन वाले चिल्ले, ठीक है, और मम्मी ने पड़ा हुआ इसको, और मम्मी ने यहाँ पे हरी मिर्ची अपनी फ्राई करके रखी है। तो चलो आप साइड पे बैठो, तो करते हैं कुछ अच्छा सा बनाते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने अपना जो दालें वाले और जो सामान होता है ना, वो मैंने डब्बों में रखना बंद कर दिया बिल्कुल, अब मैं ऐसे रख लेती हूँ, एक ही जगह रहते हैं, और स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अभी सोच रहे हैं हम वाइट वाले छोले बनाने के लिए, तो चलिए वाइट वाले छोले बनाते हैं आज, क्योंकि कल खाए थे राजमा,
अभी दाल वाल कोई खाने का मन नहीं है तो वाइट वाले छोले और चावल बनाएंगे, ठीक है। तो डिनर की हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे डिसाइड हुआ है ना कि वाइट छोले बनाएंगे, तो बस अभी छोले वाले धो के और कुकर में उबलने के लिए रख देती हूँ। कभी कभी ना मैं पहले तड़का लगा देती हूँ, कभी कभी ना मैं उबाल के और उसके बाद में रखती हूँ। तो उबलने से पहले मैंने घी डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, उबलने के लिए रख दिए। और थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन धो लेती हूँ। तो मुझे लगा शायद पापा चाय पियेंगे इसलिए, पर पापा ने चाय नहीं पी तो मेरा काम थोड़ा और कम हो गया। इसके बाद हमारी डिनर जो है वो रेडी हो गया था। आप देख सकते हो ये है वाइट वाले छोले और चावल, और हम पूरी फैमिली इस टाइम बैठ के जो है डिनर कर रहे हैं। हम लोग दिन में एक बार ज़रूर साथ में बैठ के डिनर करते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो भागम भाग ज़िंदगी रहती है, तो एक टाइम तो बैठ के सबको साथ में डिनर करना चाहिए ना, डिनर लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी करना चाहिए। तो गाइज़ आज की वीडियो बहुत छोटी सी बना रही हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ, और अब नवरात्रे भी आ रहे हैं तो नवरात्रों की भी तैयारी कर रही हूँ। तो देखती हूँ एक दिन में अगर दो वीडियो डाल सकी तो दो, वरना एक एक तो डेली आती रहेगी वीडियो। तो ठीक है, कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ।